Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, आज के episode में हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के 12वें दिन के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया. 12वां दिन यानी कि इस फिल्म का दूसरा ट्यूजडे. बारिश थी, शोज कैंसिल थे, क्रिकेट का मैच था. क्या बहाने दे सकते थे, वो सारे के सारे बहाने दे दिए. यू नो, जितने भी एनालिस्ट थे, कल रात की जो रिपोर्ट आई थी, सब लोगों ने 7 करोड़ के ऊपर का नाम भी नहीं लिया था. एंड जितने भी जो हेटर्स थे इस फिल्म के, कल का वीडियो देख लो जाके, नीचे क्या क्या कमेंट थे. इंडिया उसकी मैच है बांग्लादेश की, खत्म. अरे कबीर सिंह गिर गया, अब कबीर सिंह गिरना शुरू हो जाएगा. 7 करोड़ सर बहुत ज्यादा बोल दिए, 6 करोड़ भी नहीं कमाएगी फिल्म. 250 करोड़ सर, माई प्रेडिक्शन 220-225, फिल्म ओवर. कमेंट सेक्शन ऐसे ऐसे भरे हुए थे. एंड गाइस, कल रात को ये यकीन भी हो गया था एंड ट्रेड भी ये डिक्लेयर करके सो गया था कल ये फिल्म 7.5 के ऊपर नहीं जाएगी. लेकिन वो कहते हैं ना, जहां हमारी सोच शुरू होती है वहां बैठकर कबीर सिंह दम मार रहा होता है. लिटरली स्पीकिंग, कबीर सिंह ने पूरे बॉक्स ऑफिस का मजाक बना के रखा हुआ है. अच्छे अच्छे ट्रेड एनालिस्ट लोगों की धज्जियां उड़ा के रखी है. ये पी रहा है स्क्रीन पर. एंड गाइस, लिटरली प्रोड्यूसर्स के घर पे इतना पैसा बरस रहा है, दिस इज सरप्राइजिंग एवरीबडी. इट इज गोना बी अ लैंडमार्क मूवी. फिल्म स्कूल्स में, इवन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स में, जो फिल्म जो रहता है फिल्म की स्टडी के लिए बिजनेस मॉडल पढ़ाते हैं, उसमें कबीर सिंह का जिक्र सालों साल किया जाएगा बिजनेस मॉडल्स में. क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म का बिजनेस हुआ है गाइस, इट हैज शेकन एवरीबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री. लिटरली स्पीकिंग गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो 12वें दिन का कलेक्शन है वो 8.31 करोड़ रुपया है, एंड यू विल बी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. क्योंकि सीरियसली गाइज, कल क्रिकेट मैच थी, वो भी इंडिया की मैच थी कल. एंड कल बारिश मुंबई में इतनी थी कि शोज कैंसल हो गए. एंड डिस्पाइट दैट, तो मैंने रात को आपको बोला था लीविंग मुंबई, मैंने बाकी ऑक्यूपेंसी आपको बताई थी. पटना वॉज क्रेजी, 75 अबाव, सूरत, बहुत जगह फाड़ ऑक्यूपेंसी थी. एंड इसी का दम है कि कबीर सिंह, जो क्लासेस को तो पसंद आई आई है, जो मास ऑडियंस को पकड़ी है इस फिल्म ने, वो ऐसी पकड़ी है कि अब उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे गाइस. पब्लिक मैच छोड़ के जा रही है. बड़ी बड़ी हीरो की फिल्में मैचेस में वर्ल्ड कप में नहीं चली है गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ. वर्ल्ड कप के दिन ड्रॉप आया ही आया है. कोई भी फिल्म ले लो, ड्रॉप इज देयर. बारिश में अच्छी अच्छी फिल्म डूब जाती है, लेकिन इसको ना बारिश का फर्क पड़ा, ना मैच का फर्क पड़ा गाइस. एंड मंडे को 9.07 करोड़ रुपए कमाकर ट्यूजडे को 8.31 करोड़ रुपीज कमाए, यानी कि सिर्फ 70 लाख का ड्रॉप. आराम से फिल्म 1.5 करोड़ का ड्रॉप लेती थी, लेकिन बॉस अब इसको रोकना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अब ये फिल्म 198.95 करोड़ पे खड़ी है. यस मेरा भाई, अभी क्या, एज आई एम स्पीकिंग द फिल्म हैज एंटर्ड द 200 करोड़ क्लब. यस फ्रेंड्स, सुबह के शोज ओपन होते ही ये फिल्म 200 करोड़ क्लब में एंटर कर ली है. क्योंकि गाइस, 1.15 करोड़ रुपए इसके लिए कमाना चॉकलेट था, जो कि सुबह भी 8 बजे शोज शुरू हुए, अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज रहा है. आराम से इसने कमा दिया होगा. तो कबीर सिंह बिकम्स द फर्स्ट एडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म टू एंटर द 200 करोड़ क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. नॉट ओनली बॉलीवुड सिनेमा, इंडियन सिनेमा इतिहास में इससे पहले कोई भी फिल्म, कोई भी एडल्ट फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस, नेट बिजनेस नहीं किया इंडिया में इन एनी लैंग्वेज. एंड कबीर सिंह हैज डन इट गाइस. दिस इज आउटस्टैंडिंग, माइंड नंबिंग, लिटरली अनबिलीवेबल स्टफ हैपनिंग. कुछ बहाना नहीं चलेगा, कोई स्टार नहीं चलेगा, किसी का स्टार पावर नहीं चलेगा. बस चलेगा तो इंडस्ट्री में अब कंटेंट चलेगा और अच्छे एक्टरों की मेहनत वाली फिल्में चलेगी. ये राइटिंग ऑन द वॉल है. ये साल 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ऑडियंसिस के मुंह पर आके गिरे हैं. उरी हो, गली बॉय हो, या फिर शाहिद कपूर की ये फिल्म हो, तीनों एक्टरों ने हिला कर रख दिया. लास्ट ईयर सिम्बा वॉज ऑन योर फेस मैन, 240+ करोड़ रुपीज ऑन योर फेस. साउथ की रीमेक है, ये वो है. रीमेक है तो क्या हुआ, बना रहे ना फिल्म, तुमको किसने रोका है रीमेक करने से? किसी ने रोका तो नहीं है. तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास भी एक्टिंग है, बनाओ रीमेक. नो वन स्टॉप यू. ये रीमेक का जो कल्चर है
साउथ वाले जो रीमेक के राइट्स बेचते हैं तो हम लोग खरीदते हैं, मत बेचो राइट्स, हम लोग नहीं खरीदेंगे राइट्स, एज सिंपल एज इट। तो जितने रीमेक ब्रिगेड है जो बोलते हैं अरे रीमेक है रीमेक है रीमेक है, तो वो लोग बेचते हैं भाई, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी घर चलाना है। उनकी जो स्टेट पॉपुलैरिटी है ना वो ये फिल्में जब बनती है तब जाके दे बिकम नेशनल पॉपुलैरिटी, अंडरस्टैंड दैट। तो उनको भी गरज है फेम की मनी की, वो लोग बेचते हैं हम खरीदते हैं, वो लोग नहीं बेचेंगे हम नहीं खरीदेंगे, सीधी बात है ये। तो इसमें फायदा दोनों का है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। साउथ की फिल्मों का रीमेक करके अच्छे अच्छे लोगों का करियर सेट हो चुका है, नाउ शाहिद कपूर इज ऑन द वर्ज ऑफ सुपरस्टारडम, लिटरली उंगलियां चबा रहे हैं लोग ये सुन के कलेक्शन। कल का दिन जो इसने तमाशा किया है बॉक्स ऑफिस पे भाई, इस फिल्म को प्रेडिक्ट करना किसी के बाप के दम में नहीं। इस फिल्म इज गोइंग रॉकेट गाइस, 275-300 crores, यस मेरा भाई, नाउ दिस फिल्म इज ऑन द वर्ज ऑफ 300 crores, लुक एट द कलेक्शंस नाउ। ये अब रुकेगी नहीं, अगले वीकेंड में स्पाइडरमैन का मैंने आपको बताया है क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है, कबीर सिंह के बीच में वो नहीं आने वाली है। गाइस एंजॉय कबीर सिंह सक्सेस, ये तो धमाका निकला है गाइस, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।